गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्रीकांत ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम एक नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, मातिनगढ़, और हम वहां दर्शन करेंगे मातिन दाई का। और इसके लिए हम चार बाइक में 8 लड़के निकले हैं सुबह सुबह, और देखते हैं आगे जो भी अच्छे व्यू होंगे मैं सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यह है जेंजरा चौक, और अगर हम सिटी नहीं जाना चाहें तो यहाँ से हम राइट ले सकते हैं और सीधे बाईपास होते हुए हम कटघोरा से आगे निकलेंगे। यहाँ हम पहुँच गए NH 130, और यहाँ से हम सीधे अभी निकलेंगे गुरसियाँ। कटघोरा से 7 किलोमीटर आगे हम पोड़ी उपरोड़ा पहुंच चुके हैं, और यहां से हमें आगे बढ़ना है गुरसियाँ के लिए। गुरसियाँ से एक रोड जाती है जो मातिन के लिए, तो वह रोड हमें पकड़ना है। कोरबा से मातिन की दूरी है 65 किलोमीटर, और इसके लिए आपको सबसे पहले कोरबा से कटघोरा होते हुए NH पकड़कर गुरसियाँ आना होगा। यह कटघोरा से अंबिकापुर जो NH है उस पर है, और फिर हमें गुरसियाँ से लेफ्ट लेके पचरा होते हुए मातिन के लिए जाना होता है। तो आप अंबिकापुर से आएँ या बिलासपुर से, सभी जगहों से मातिन आसानी से पहुंच सकते हैं। और यह देखिए बेहद शानदार व्यू। जब भी आप NH 130 पर आएंगे तो आपको ऐसे व्यू लगातार देखने को मिलेंगे अंबिकापुर तक। पहाड़ को काटकर बनाया गया यह शानदार रोड, और आगे हमें मिलेगा तान नदी पर बना पुल। देखिए कितना शानदार व्यू। यह तान नदी, यह गुरसियाँ, और गुरसियाँ से आप बांगो बांध भी जा सकते हैं। आपको राइट में रोड मिलेगा, और यहाँ से बांगो बांध की दूरी है 12 किलोमीटर। पर आज हम निकले हैं मातिन दाई के दर्शन के लिए। यहाँ से जडगा है 20 किलोमीटर, तो लेफ्ट वाली रोड है वह ले जाएगा जडगा। तो यह रोड हमें पकड़नी है। गुरसियाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो मातिन दाई के प्रचारक सदस्य हैं संजय भाई, उनसे मेरी बात हुई है। तो गुरसियाँ से लगभग मातिन की दूरी 27 किलोमीटर है। उससे पहले हमें इस जटगा रोड पर घुमानी डांड पहुंचना है, और फिर देखते हैं वहां से पूछते हुए हमें मातिन के लिए निकलना है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। हम घुमानी डांड के इस अटल चौक से राइट जाएंगे, और फिर देखते हैं मातिन का रास्ता। यहाँ पर फिर से दो रास्ते, और यहाँ से लेते हैं हम लेफ्ट मातिन रोड। मातिन रोड यहाँ से 3 किलोमीटर है। मातिन का पहाड़ 3 किलोमीटर नहीं, मातिन रोड जो है वह यहाँ से 3 किलोमीटर है। आज एक बार फिर फुल एडवेंचर, क्योंकि इस रोड पर या इस जगह पर हम लोग पहली बार आ रहे हैं, और इसलिए हमें काफ़ी पूछना पड़ रहा है। और आप हमारे सामने जो देख रहे हैं पहाड़, वह है मातिन पहाड़, और वहाँ विराजमान है मातिन दाई। घुमानी डांड से 3 किलोमीटर आगे से हम फिर ले रहे हैं राइट, और यह सीधे हमें ले जाएगा मातिन दाई का पहाड़। ऐसी यह रोड बहुत घुमावदार है, और जब भी इस रूट पर आएँ आप जगह जगह पूछते चलें। जहाँ भी आपको चौक मिले एक बार पूछ लेना बेहतर होगा। तो हम भी इसी तरह से आ रहे हैं पूछते पूछते। अब मुझे नहीं लगता कि आगे पूछने की ज़रूरत होगी, यह हमें सीधे मातिन पहाड़ के पास ही ले जाएगा। फाइनली हम हैं मातिन में, और यहाँ हमें अपनी बाइक पार्क करनी होगी। और देखिए इस सारे जो मेरे छोटे भाई हैं,
वो मेरे पीछे चल रहे हैं और मुझे धक्का दे के आगे ले जाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं मातिन के लिए। और यह है प्रवेश द्वार और यहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। तो चलिए धीरे धीरे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी की चढ़ाई करते करते हुए मातिन के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हैं उनमें मातिन भी एक गढ़ है और कोरबा के 5 गढ़ों में से एक है, ठीक है। और इस गढ़ में कुल 84 गांव आते हैं या आते थे। ऐसे पहाड़ के ऊपर जहां हम जा रहे हैं मातिन दाई की कोई मूर्ति नहीं है, वरन वहां उसके आसन की पूजा की जाती है। और यह जो है 2000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ थोड़ा आराम करते हैं और चलिए कुछ और बातें मैं बताता हूँ। यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी लोग हैं उनकी मातिन दाई पर गहरी आस्था है और मातिन दाई को जो गोंड समाज है उनके जगत गोत्र का वंशज माना जाता है। यहाँ सीढ़ी का सफर ख़त्म होता है और इसके बाद हमें इस तरह पथरीले रास्तों पर चलना होगा। ये हमारे मित्र लोग थक कर बैठ चुके हैं पर मैं नहीं थका हूँ। एक अम्मा जी अभी मिली थी जो बता रहे थे कि आप अभी आधे भी क्रॉस नहीं कर पाए। यह शेड है, हमें लगा था कि लगभग हमने आधा क्रॉस कर लिया पर नहीं, मंजिल अभी बहुत दूर है। जब भी आप मातिन पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ी मात्रा में आपके पास पानी होनी ही चाहिए। हमें कुछ भाइयों ने पहले ही बता दिया था कि जब आप चढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको रास्ते में पानी नहीं मिलेंगे, तो हमने रख लिया था। और जब आप चढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूर में आप बैठ लीजिए, छांव में सुस्ता लीजिए और फिर चढ़ना शुरू कीजिए, इससे आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होगी। मातिन पर चढ़ाई करते हुए हम ये स्थान बजरंग बली जी का पहुँच चुके हैं और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है जैसे मुन्ना मुझे बता रहे हैं, बिल्कुल हम पास हैं मातिन दाई के। तो चलें, चलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं, धीरे ही सही बस पहुंचने वाले हैं। यह है माता रानी के सच्चे भक्त जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि सतह से 2000 फीट की ऊंचाई तक पानी चढ़ाना, 30-30 लीटर पानी एक कांवर में चढ़ाना, यह कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। इन पर वास्तव में माता रानी की कृपा है और यही वास्तव में एक सच्चे सेवक हैं। मैं बहुत सारी जगह घूम चुका हूँ इसी तरह से, पर मातिन की चढ़ाई थोड़ी कठिन है। कठिन इसलिए कि यह एकदम खड़ी चढ़ाई है और इसलिए थोड़ी कठिन है। थोड़ी दूर तक आपको सीढ़ी मिलती है, फिर इसी तरह के रास्तों पर आपको चलना पड़ता है। खड़ी चढ़ाई के बाद अब हमें थोड़ी समतल जगह मिली है कुछ इस तरह से, और इस पर चढ़ाई करना थोड़ा आसान हो गया है। अब बिल्कुल फ्रीली हम चढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त पीछे रह गए पर मैं सबसे आगे, पहले सबसे पीछे था अब सबसे आगे हूँ। थोड़ी समतल ज़मीन के बाद फिर से एक छोटी सी खड़ी चढ़ाई आ गई है और मुझे लगता है इसे चढ़ने के बाद हम मातिन दाई तक पहुंच जाएंगे। हम सतह से 2000 फीट की ऊंचाई पर मातिन दाई पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे जो शेड देख रहे हैं वह है मातिन दाई। और जैसे मैंने बताया था कि मातिन दाई की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि उनका आसन है। तो चलिए हम दर्शन करते हैं और बहुत सारी जो बातें हैं जो आपने मातिन दाई के बारे में नहीं सुनी होंगी वह भी मैं बताऊंगा आपको। यह आसन देखिए, पूरी तरह से नुकीले किलों से सजा हुआ। और बैगा बता रहे थे कि जिन्हें भी मातिन दाई चढ़ता है या देवी चढ़ता है वो इस आसन पर बैठते हैं, लेटते हैं, लेकिन इस
इन कीलों का प्रभाव उन्हें बिल्कुल नहीं पड़ता, उन्हें चोट बिल्कुल नहीं लगती। तो यह भी एक अद्भुत है, कील का आसन। बिल्कुल पास से देखिए। अब हम मातिंदाई मंदिर पहुँचते हैं। यह मातिंदाई का मंदिर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ मातिंदाई का आसन है और आसन की ही हमेशा से पूजा की जाती रही है। अच्छा अच्छा मातिंदाई के द्वार पर ही यह एक कुंड है और इस कुंड के बारे में मान्यता यह है कि यहाँ आप कितना भी बलि दीजिए यह छोटा सा कुंड कभी भरता ही नहीं है। तो एक यह भी एक अलग बात है यहाँ कि जो छोटा सा कुंड पर आप कितना भी बलि दीजिए रक्त से यह कभी भरेगा नहीं। मातिंदाई का जो आसन है मेरे सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं उसके टॉप के और नीचे था, जहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, दुर्गम रास्ता था, और इसलिए मातिंदाई का आसन वहाँ से जो आप यह जगह देख रहे हैं यहाँ बनाया गया है और यहाँ पहुँचना थोड़ा आसान है। मातिंदाई के मंदिर से यह रहा मेरा मातिंदाई पर एक छोटा सा ब्लॉग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।